हाय गाइस, मैं हूं आयुषी, वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम LLB करना चाहते हैं DU से, तो हमारे लिए हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है इन द कैंपस। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, लॉ फैकल्टी का अपना हॉस्टल नहीं है, तो DU में कुछ हॉस्टल्स हैं एंड लॉ फैकल्टी को कुछ सीट्स एलोकेटेड हैं उन हॉस्टल्स में। सो इन टोटल देयर आर अबाउट 100 सीट्स दैट लॉ फैकल्टी हैज। सो इन ऑर्डर टू गेट इन टू दोज हॉस्टल्स, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्कोर अ गुड रैंक। ट्राई दैट यू स्कोर अ रैंक अमंगस्ट द टॉप 100, ताकि आपका एडमिशन अच्छे से हो सके, आराम से हो सके उन हॉस्टल्स में। इसके अलावा हॉस्टल का क्राइटेरिया क्या है, यू हैव टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट। देन सेकेंड, दैट योर पेरेंट्स शुड नॉट बी रिसाइडिंग विद इन दी NCR रीजन। एंड थर्ड, दैट यू मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड फुल्ली और पार्टली एनीवेयर। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं जो आपको मीट करने हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखेंगे DU की वेबसाइट पे जाके, वहां पर ये चीजें क्लियरली मेंशनड है। इसके अलावा क्या मेंशनड है, पूरी लिस्ट मेंशन है हॉस्टल्स की, एंड ये क्लियरली मेंशनड है कि आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा। तो जो भी लिस्ट आपका कॉलेज जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोवाइड करेगा हॉस्टल एडमिशन फैसिलिटीज को, हॉस्टल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं उन अथॉरिटीज को, दे विल देन कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू एंड दे विल अकॉर्डिंगली शॉर्टलिस्ट यू गाइज। स्क्रीन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा लिंक जो है बुलेटिन का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रेपरेटरी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, देन फॉर दैट ऑल्सो द लिंक इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन गो एंड गेट योर हैंड्स ऑन द सेम।